स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि मैरीटाइम के क्षेत्र में 3 से 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। राजीव प्रताप रूडी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज धारा ने। ये जो मैरीटाइम इवेंट जो आज ऑर्गेनाइज हुआ है, फर्स्ट इवेंट, सर आपको क्या लगता है कि स्किल डेवलपमेंट को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा? बिकॉज देवर लार्जली टॉकिंग अबाउट 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट करने के लिए, इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? देखिए, पोत और बंदरगाहों के लिए और विशेष करके जहाज रानी मंत्रालय द्वारा जो अभियान चलाया गया है और पहले इस प्रकार का समिट भारत में किया गया है, बधाई के पात्र हैं देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने ये दिशा दिया और विशेष तौर से नितिन गडकरी जी जिन्होंने इतना बड़ा अभियान चलाया है। स्वाभाविक है कि अगर पोत और बंदरगाहों में और जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत जो विभिन्न सी फेरर से लेकर के और बाकी एक्टिविटी है और मेक इन इंडिया का नारा है, मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए हमारे पास बड़ी संख्या में मेकर्स इन इंडिया भी चाहिए, बनाने वाले भी चाहिए, और उसकी प्रशिक्षण का कार्य मात्र ITI से या जो भी वर्तमान व्यवस्था है उससे पूरा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जिसमें इंडस्ट्री को किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता है, उसकी पढ़ाई कराना, उसको उसकी तैयारी कराना और फिर मार्केट में उन लोगों तक देना, ये एक बहुत बड़ा अभियान है।